मेरे कैरेक्टर का नाम कीर्ति है, सिंगल मदर है, बहुत प्यारा सा बच्चा है 6 साल का, बहुत क्यूट सा। कीर्ति राइटर है और लाइफ का पास्ट उसका इतना अच्छा नहीं रहा है, तो शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रेश, तो वो पंचघाटी जाती है अपनी लाइफ स्टार्ट करने। तो ऐसे सीरियस कैरेक्टर नहीं है वो, बहुत हंसी मजाक वाली है वो। शील जोक अराउंड, और कुछ सिचुएशन सीरियस होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको टर्न कर देगी अपना किसी जोक से। जोक स्टूपिड भी हो सकता है, बट शी जस्ट वांट्स एवरीवन टू बी हैप्पी अराउंड हर। तो ये एक एसेंस है कीर्ति का। हाई, माई नेम इज़ युक्ति कपूर। दिस इज मुदित। यू गाइज आर वॉचिंग इस ऑन टेली रिपोर्टर। मैडम सर, ये बात फैंस आपको देखकर बहुत खुश है, क्या कुछ कहना चाहोगे आपके जोरदार कमबैक पर? मैं तो कब से कमबैक करना चाह रही थी, पर काफ़ी टाइम लग गया। हमने एक्चुअली शो की शूटिंग अप्रैल में स्टार्ट कर दी थी और फैंस तभी से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको न्यूज़ मिल गई थी। अब फाइनली शो आ रहा है 4th को, तो फैंस जिस तरीके से आपने प्यार मैडम सर में दिया था, उसी तरीके से प्यार आप कह दो तुम्हें भी देना। तो शो के बारे में जैसे आ रही है खबर की मिस्टीरियस है, थ्रिलिंग है, तो शो के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानना चाहिए। जैसा कि प्रोमो में काफ़ी एविडेंट है, थ्रिलर है और स्टोरी लाइन भी है जो थोड़ी सी अलग है, बहुत स्टीरियोटिपिकल नहीं है आपके टेलीविज़न की। सो आई थिंक जिस तरह प्रोमो को बहुत अच्छे से रिसीव किया गया है, इट्स गॉट अ ग्रेट रिसेप्शन, बहुत प्यार मिल रहा है, तो एपिसोड्स के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आपकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करेगा। बहुत ही डिफरेंट थीम है, बहुत ही रियल लोकेशंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत मज़ा आया हमें करने में, उतना ही मज़ा आपको देखने में आएगा। मुझे आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, क्या आप प्ले कर रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर, कैसा रोल? मेरे कैरेक्टर का नाम कीर्ति है, सिंगल मदर है, बहुत प्यारा सा बच्चा है 6 साल का, बहुत क्यूट सा। कीर्ति राइटर है और लाइफ का पास्ट उसका इतना अच्छा नहीं रहा है, तो शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रेश, तो वो पंचघाटी जाती है अपनी लाइफ स्टार्ट करने। अब वहाँ पे जाते ही स्टोरी में स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है ये आपको देखेगा कह दूँ तुम्हें मैं। पर कीर्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत मतलब ऐसे सीरियस कैरेक्टर नहीं है वो, बहुत हंसी मजाक वाली है वो। शील जोक अराउंड, और कुछ सिचुएशन सीरियस होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको टर्न कर देगी अपना किसी जोक से। जोक स्टूपिड भी हो सकता है, बट शी जस्ट वांट्स एवरीवन टू बी हैप्पी अराउंड हर। तो ये एक एसेंस है कीर्ति का। ऑन स्क्रीन तो हम देख ही लेंगे 4 सितंबर से जो भी ड्रामा है, बट ऑफ स्क्रीन जानना चाहेंगे कैसा बॉन्ड है? आई थिंक हमारा बॉन्ड फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छा था। हम लोग मॉकशूट पे मिले थे शूटिंग से पहले, यहीं बॉम्बे में एक लोकेशन पे मिले थे, और ऑब्वियसली मिलने से पहले थोड़ा सा वो रहता है ऑकवर्डनेस, कौन आइस ब्रेक करेगा, क्या है, कहीं वो एटीट्यूड ना हो, एक अप्रोचेबल है कि नहीं। बट लकीली, फॉर्चुनेटली, शी इज़ वेरी अप्रोचेबल, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, और मॉकशूट पे ही हम लोग मिले थे, हमारी थोड़े से सीन डिस्कस हुआ, देन वी शॉट द सीन, और तब से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एंड इट्स जस्ट गेटिंग बेटर, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है वो पंचगनी में है, तो हम लोग अपनी फैमिली से दूर हैं, तो हम सब भी एक दूसरे की फैमिलीज़ है, हमारा यूनिट, हमारे एक्टर्स, सो वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम देयर, और हम लोग बहुत एक फैमिली की तरह ही बॉन्ड करते हैं। ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट द शो। एक्चुअली मैडम सर की शुरुआत भी ऐसी हुई थी, पता है, सब ऐसा पॉजिटिव था, तो अभी मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा है कि दिस शो विल डू वंडर्स। तो युक्ति जी, मुदित ने तो आपकी तारीफ कर दी, आप भी कर दो कुछ मुदित की तारीफ। अरे मुदित, क्या तारीफ करूं यार, अभी ठीक है। मुदित बहुत, ही इज़ अ वेरी सिंसियर गाय, बहुत डेडिकेटेड, पैशनेट अबाउट हिज वर्क, बहुत सिंसियर, बहुत फोकस्ड। तो आई लाइक सच एक्टर्स जो सेट को रिस्पेक्ट करते हैं कि व्हेन वी आर ऑन सेट तो वी हैव टू मेंटेन दैट, हमको अपने काम पे फोकस, वो ही हा हा हु मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत सीरियस रहती हूँ सेट पे, तो थैंक गॉड मेरे को एक्टर भी मेरे जैसे हैं, तो कभी ऐसा हो कि मुझे नहीं पसंद आ रहा तो बुरा लग जाता ना, और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर सेम ऑन सेट। बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, वेरी काइंड, बहुत फ्रेंडली। आप भी हो, आप मुझे फ्रेंडली बोल रहे हो, आप फ्रेंडली ये भी हैं। तो आप बता रही थी कि आपके साथ आपका जो छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा है, बहुत स्पिरिचुअल साइड है उसका, उसको सारे मंत्र आते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है वो, और ये मत सोचिएगा कि छोटा बच्चा है तो लाइनें फंबल या नो, ही इज वेरी प्रोफेशनल, वेरी लर्नड, सेट पे एकदम रेडी होके आता है एंड ही इज अ डार्लिंग ऑफ आवर शो। हाँ, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। लव यू, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बस वैसे ही शो को भी प्यार देना। आई लव यू गाइज। थैंक यू। सेम हियर।